हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मान कवि दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें हैं कि कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, कुछ तालाब में खिल रहे फूल कुमलाने लगे। तो देखिए इस रिपोर्ट को और समझने की कोशिश कीजिए कि दुष्यंत कुमार ने किन परिस्थितियों में ये लाइन लिखी थी। शायद प्रजातंत्र में जब किसी और का झंडा बुलंद हुआ करता था, लगातार सरकार एक ही पार्टी की है और जो तस्वीर देश और प्रदेश से आ रही है वो तकलीफ ज़दा है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की सुर्खी विधानसभा की, उन लोगों की, उन किसानों की, उन मजदूरों की, उन आम आदमी की, जिनके पास ना तो सड़क है, बिजली की सुविधाएं नहीं, बुनियादी सुविधाएं नहीं, और ऊपर से सोयाबीन भी खत्म हो गया, किसान की कमर टूट गई। कुछ किसान रो रहे हैं, कुछ गुस्से में हैं, तमाम तरह की बातें किसान और मजदूर कर रहे हैं आम आदमी। देखिए इस रिपोर्ट को, अगर ऐसी सरकारें होती हैं जो जनता की नहीं सुनती तो एक दिन वो आता है कि जब जनता सरकारों की नहीं सुनती। तो देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जब जनता नाराज हो तो सरकारों की खैर नहीं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं में उपचुनाव है, भाजपा इन विधानसभाओं में विकास की घोषणा कर रही है तो कांग्रेस ने भी एक डायलॉग पकड़ रखा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, जनता भाजपा से बदला ली। प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आजादी के बाद विकास ही नहीं हुआ। यह बिहारी खेड़ा पंचायत का नया खेड़ा गांव है। इस गांव के हालात बद से बदतर हैं। 80 साल की यह बूढ़ी अम्मा के 5 बेटे हैं। गांव में पीने का पानी और सड़कें नहीं तो उनके बेटे कुंवारे हैं। वजह है कि कोई रिश्ता आता ही नहीं, कच्चा मकान है, ऊपर से सोयाबीन की फसल चौपट हो गई है, आंख से टपकते आंसू को पहुंचने वाला कोई नहीं है। अशुरा मिले जो नहीं फरो, ये मेरे प्यारे बेटा हमें को नहीं देखावे। अपनी दवाई वगैरह होत बा कैसे होते? हमार को नन्या 5 लड़का है, से एक के ब्याह नहीं भाई आए, बेटा रोटी बनाए गड़ाई उठावे को आसरो नन्या बेटा है। जो की जय स्थिति हो गई हमारी, देखो बोलते हैं जब आते हैं वोट मांगने हम ऐसा कर देंगे बेटा, हम किसानों की ऐसी तैसी हो गई, अब हम फांसी टांगे क्या बेटे, मंजूरी करके कहाँ से हम इतना कर चुकाएंगे, बोनी बखन्नी का सब हमने कहाँ से लाएंगे। अब सुर्खी में जो उपचुनाव है सुबह सराएंगे वो कह जाएंगे हाँ हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, बेटा कुछ नहीं होता है, हम काय की वोट देवे माने नहीं तो लोगों को नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे, हमारा कोई लाभ नहीं मिल रहा, हम काय की वोट देवे उनको, हम जो डरे कच्चे ने हमको लाइट की सुविधा है, आल घंटे को लाइट दे देते हैं काट देते हैं, हम काय में से फसल काटेंगे। सरकार और प्रशासन इससे बेखबर है और बेहद दूर है। इस गांव के किसान मजदूर के तेवर बगावती है, वो सरकार को कोस रहे हैं। आलम यह है कि रोड नहीं तो वोट नहीं की बात कह रहे हैं। यहाँ की जनता बेहद गुस्से में है, भ्रष्ट सचिव और सरपंच पैसे मांगते हैं, यहाँ गरीबों की आने वाली कुटी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जनता को गुमराह कर रहे हैं, एक तरह से पूरा गुमराह करके रखो है, क्योंकि अपनों घर बारों चाह रहा है, हम लोगों ने इनको बनाओ अच्छी तरीका से जिताओ, फिर क्या हुआ, इसके बाद जो खुद ही बिक गए, हम लोग कौन को बिक जाए, हम लोगों की वोट तो जो ले लेते हैं 5 दिन हाथ जोड़ के जयराम जी करते हैं, अगर काम कुछ कराने जाओ तो वो नहीं करते हैं, और अभी जो फसल लेके जाएं हम लोग कहाँ जाएं, अकेले वोट चाहने सो नहीं भर दर्शन भाई और बस क्या हो जाएगा, इतने कुछ नहीं हुआ हो रहा साहब महलों में बैठे तुम लग जा भैरी खेड़ा में आए थे हीरा सिंह,
हम लोग ही भाई साहब चलो हमारे कुलियों में देखो चल कर कैसा रास्ता है। कहने लगे कुलियों में हम कैसे के कुलियों में जाएंगे, कौन कौन के जाएंगे पास, एक जगह आओ। कहने लगे भाई तो हम जनता भाग जाए, हम जा हमारे नहीं सुन रहे थे, हम लोग कहाँ जाएंगे तुम्हारे साथ में। इसलिए हम जा सोच रहे हैं कि हमारे गाँव में आए, रास्ता बनवाएं, हर चीज़ की व्यवस्था कराएं, तो हम लोग वोट देवे तब जा रहे हैं ना। हम विरोध करेंगे, हम नहीं देंगे वोट। हम लोग कुछ नहीं समस्या, जहाँ समस्या है पहली बात तो सड़क नहीं है, एक समस्या हो तो बताएं फिर अनेक समस्या है। अभी कहीं कोई समाधान नहीं होते है। पहली समस्या सबसे बड़ी समस्या है रास्ता। कुछ दुख तकलीफ में जो कछु होते है या कछु कोई गर्भवती महिला है या एम्बुलेंस वगैरह तो आ नहीं सकत, रोड पर फोन लगाते हुए होते अभी तेज बताओ कैसे ले जा रहे हैं खटिया पलका पर कौन। एक बार तो महिला ने इतनी दम तोड़ दिया बीच रास्ता में फ्री। यहाँ के राजनेता इस बारे में कोई ध्यान नहीं देते। यहाँ की जनता के मन की बातें खुलकर सामने आई हैं। सरकार और प्रशासन थोड़ा शर्माए तो इस गांव पर अपनी नजरें इनायत कर देना। लक्ष्मी पांडे ढाणा के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज ढाणा। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।